ये हमारे चैनल की 6th या 7th वीडियो है जहाँ तक मुझे पता नहीं, बट ये जो वीडियो है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे इंडिया के पहले शख्स के बारे में जिन्होंने ओलंपिक में हमें मेडल दिलाए थे, जिनका नाम है नॉर्मन। पूरा नाम तो मैं क्या बताऊँ आपको, जानते होंगे आप सब, कुछ नहीं जानते तो उनके लिए है नॉर्मन रिचर्ड। ठीक है, इन्होंने हमें ईयर 1900 में पेरिस के अंदर ओलंपिक में 2 मेडल दिलाए थे, वो भी सिल्वर। इनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि कहाँ पैदा हुए हैं, कौन है, ब्रिटिशर थे, इंडियन थे, बट बाद में वो सब कुछ क्लैरिफाई हो गया था। ओलंपिक ने भी सीधा क्लैरिफाई कर दिया था कि वो इंडियन है। ओके, उनके बारे में आपको एक बात बताऊँगा, जो उन्होंने 1900 में जो पेरिस के अंदर जो हुए थे हमारे, उसके अंदर 2 मेडल जीते थे। पहला जीता था उन्होंने मीटर की स्प्रिंट में, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, सेकंड आए थे, और दूसरा इन्होंने जीता था 200 मीटर के हर्डल्स में, जहां पे वो एक अमेरिकन वो थे एथलीट एल्विन, उनसे पीछे रह गए थे, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी और डेफिनेटली मतलब अपने पास मेडल रखने के बाद, जीतने के बाद वो इंडिया गए फिर से अपनी होम सिटी में कोलकाता में, जिसे बोलते हैं हम कलकत्ता भी, और बाद में जाके क्लियर हुआ कि वो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट और इन सबसे वो इंडियन। उन्होंने हमारे ओलंपिक में जाने के गेट खोले थे। इन्हीं के बाद में दादा भाई जो टाटा हैं, उन्होंने ओलंपिक बन में जाने के लिए कमेटी बनाई थी, इसे हम सब कुछ भूल सके हैं, बट ये हमारे पहले इंडियन वो थे जिन्होंने हमें ओलंपिक में मेडल दिलाया था, और ये हमेशा याद रहेंगे फर्स्ट एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट ओलंपिक्स। उसके साथ साथ इन्होंने मेडल भी जीता, वो भी पेरिस के अंदर। थैंक यू।